अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे। फूडीज रेडी में आज एक नई रेसिपी लड्डू कोतल का भुना गोश्त के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार होने वाला ये गोश्त है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। लड्डू कोतल का भुना गोश्त बनाने के लिए हमें मटन चाहिए जो कि आधा किलो है। इसमें दो दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिन्हें स्लाइस में मैंने कटिंग कर लिया है। मसालों में हमें 1 से 1.5 टीस्पून इसमें नमक चाहिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1/4 टीस्पून हल्दी। इसके अलावा इसमें एक टमाटर है बड़े साइज़ का जिसको मोटा जो है वो काट लिया है, चॉप कर लिया उसे। लहसुन के जमे हैं जो कि 8 से 10 हैं। इसके अलावा आखिर में हमें हरी मिर्ची चाहिए जो कि दम पे डालेंगे, और लंबाई में कटा हुआ एक टमाटर है, थोड़ा सा जुलियन कटिंग में अदरक है और 3 से 4 टेबल स्पून हमें दही चाहिए। यहाँ प्रेशर कुकर में 1/2 कप ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे, इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। प्याज वाइट से पिंक कलर में आ चुकी है, अब इसके अंदर टमाटर और लहसुन के जवे डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर काफ़ी हद तक इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें ये मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे 1/4 कप जितना। इसको मैं अब थोड़ा सा भूनूंगी। मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया, अब इसके अंदर हम ये मटन डाल देंगे। साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची डालूंगी और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए मसाले के साथ मैं भूनूंगी। तकरीबन 2 मिनट तक इसको भूनने के बाद अब इसमें 2 से 3 ग्लास पानी डाल देंगे और मटन को गलने के लिए रख देंगे। मटन तकरीबन तैयार हो चुका है, इसमें जो थोड़ा पानी है इसको अब खुश कर लेते हैं। 45 से 50 मिनट में ये गल गया है। अब पहले इसमें मैं ये दही डालूँगी, इसको तेज़ आंच पे इसका पानी खुश करते हैं। गोश्त बिल्कुल भुनने के करीब आ चुका है, अब इसके अंदर हम थोड़ी सी अदरक डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी और टमाटर के ये स्लाइस डालते हैं। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी। भुना गोश्त बिल्कुल तैयार है, इसे मैंने 5 से 7 मिनट तक जो दम पर रखा है, अब मैं इसे डिश ऑफ करती हूँ। लड्डू कोतल का भुना गोश्त बिल्कुल तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।